कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इंग्लिश में इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्द का वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है। तो चलिए आइए देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द होते क्या है। तो मैं आपको वर्ड्स दिखाने से पहले ये डिस्क्राइब कर देती हूँ कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है। अगर एक बहुत लंबा वाक्य है, जैसे जो कभी ना मरे, अगर हमें उसे एक शब्द में कहना हो तो हम उसे एक शब्द में कहेंगे, वो होता है अमर। तो ऐसे ही बहुत लंबे वाक्य होते हैं, अगर उन वाक्य को हमें छोटा करना हो, एक वर्ड में लाना हो, तो उनका लिए भी हमें बहुत सारे वर्ड्स गिवन हैं। तो चलिए आइए हम वो वर्ड्स देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य, आकाश छूने वाला। मतलब आकाश छूने वाला, जो सक्सेस पा रहा हो, जिसने आकाश को छू लिया हो, उसे हम कहते हैं गगनचुंबी। तो मैंने आपको अपने पर्यायवाची के वीडियो में भी बताया था कि आकाश का पर्यायवाची गगन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आकाश का पर्यायवाची गगन दिया गया है और छूने वाला को कहते हैं चुंबी। तो आकाश छूने वाले को सिंपली डिस्क्राइब कर दिया गया है गगनचुंबी। नेक्स्ट देख लेते हैं, आलोचना करने वाला। वो शख्स जो आलोचना करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आलोचक कहते हैं। जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं, जो आकाश को छूता है उसे हम गगनचुंबी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश में उड़ने वाला। अब ये जाहिर सी बात है कि आकाश में इंसान तो नहीं उड़ते हैं, तो उड़ता कौन है आकाश में, पक्षी। तो हमने पर्यायवाची के वीडियो में ये भी बताया था कि पक्षी को नमचर भी कहते हैं। अगर आपके कॉम्पिटेटिव या स्कूल एग्जाम्स में आए कि आकाश में उड़ने वाला कौन होता है, तो आप पक्षी भी लिख सकते हैं और नमचर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अत्याचार करने वाला। अब अत्याचार मतलब टॉर्चर, तो टॉर्चर करने वाला को क्या कहते हैं, अत्याचार करने वाले को कहते हैं हम अत्याचारी। जो अत्याचार करता हो उसे अत्याचारी कहते हैं, और जो आकाश में उड़ता है उसे नपचर कहते हैं। मैं आपको रिवाइज भी करा रही हूँ साथ में, जिससे आपके दिमाग में ये फिट हो जाए, आपको ये याद रहे। अपना ही भला करने वाला, मतलब जो दूसरों के भले के बारे में ना सोचे, ये नहीं देख रहा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि ये दो लोग हैं और दोनों बहुत ज़्यादा भूखे हैं, लेकिन पास में सिर्फ एक ही उनके पास एप्पल है, उनके पास सिर्फ वन एप्पल है, मतलब एक सेब है। तो अगर जो अपने भले में सोच रहा है, उसने वो पूरा एप्पल खा लिया, उसने सामने वाले की तरफ नहीं देखा कि वो भी हमारे साथ है, वो भी भूखा है। अगर वो चाहता तो उस एप्पल को हाफ कर लेता, लेकिन वो स्वार्थी है। हम कहते हैं ना खुदगर्ज, स्वार्थी मतलब सेल्फिश। नेक्स्ट है जो कभी ना मरे। जो जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जो जिसने पृथ्वी पे जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही होता है, पृथ्वी को छोड़ना ही होता है। कि जो कभी ना मरे उसको क्या कहते हैं आप पूछा गया है, तो उसको हम अमर कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसे हम अमर कहते हैं, और ये मैंने अपने वीडियो के शुरुआत में भी बताया एग्जाम्पल के तौर पर। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मा से संबंधित। अब हमें आत्मा से संबंधित कोई बात कहनी हो तो हम हमेशा ये तो नहीं कहेंगे कि ये बात आत्मा से संबंधित है, या ये बात आत्मा से संबंधित है, या फिर तुमने जो बताया वो आत्मा से संबंधित है। हम सीधे तरीके से बोल सकते हैं कि ये आत्मिक है, ये बात जो तुमने बताई वो आत्मिक है। तो हमें हर जगह आत्मा से संबंधित या फिर ये सारे वाक्यांशों का यूज नहीं करना पड़ता, कुछ जगह हम इन शब्दों का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे आचरण करने वाला। तो अच्छे आचरण मतलब अच्छे मैनर्स वाला, जो डिसिप्लिन्ड हो, जिसे अनुशासन का महत्व पता हो, उसे हम कहते हैं अच्छे आचरण करने वाला, यानी सदाचारी। जो अपने गुरु की बात माने, जो गुरु कहता है एकदम वैसा करे, एकदम अनुशासन में रहे, उन ये सारे गुण जिसमें भी वो हो, वो सदाचारी होता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो।
अब जो भगवान को मानता हो कि हाँ भगवान होते हैं, और जो मतलब हम सब नॉर्मली भी कहते हैं कि जब हम कोई दुर्घटना में आते हैं यानी कोई दुविधा में आ जाते हैं, हमें कुछ चीज़ सॉल्व करने में या किसी भी काम में डिफिकल्टी होने लगती है, तो हम भगवान को याद करते हैं। तो मतलब हम भगवान को मानते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं। तो हम हर जगह ये नहीं कहेंगे कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ या वह भगवान को मानता है। हम ये कह सकते हैं कि मैं आस्तिक हूँ, या फिर कह सकते हैं कि वो आस्तिक है, राम आस्तिक है। तो ऐसे हर जगह इन वाक्यांशों को यूज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए ये शब्द बनाए गए हैं और ये शब्द बहुत यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह हम इन शॉर्ट शब्दों का यूज कर सकते हैं, तो हमें अपना टाइम वेस्ट करने की नहीं पड़ेगी जरूरत। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि आस्तिक का अपोजिट होता है नास्तिक। मतलब यहाँ पे हमने कहा है जो भगवान में विश्वास रखता हो या जो भगवान को मानता हो, तो उसी का अपोजिट यानी जो ईश्वर को ना मानता हो, तो उसे हम नास्तिक भी कहते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।